है बहुत ही उपयोगी लाभप्रद रहा और हम कहीं कहीं निपुण प्रदेश बनाने में एक कड़ी जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। हमारे डायरेक्ट मेंटर श्री मनीष मोहन श्रीवास्तव जी, ताली बजा के सभी लोग स्वागत। हमारे मेहनती और योग्य विद्यार्थीगण और यहाँ सभा में उपस्थित प्रतिभाशाली अनुभवी शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनको कोई नया शब्द दिया गया है ना, नोडल शिक्षक के रूप में आपको दिया गया आपको नाम दिया गया। आगे हो सकता है और भी आपके लिए आपके परिश्रम के अनुरूप जो है उत्तरदायी बनिए। अब आते हैं कार्यक्रम की संरचना। ये कार्यक्रम है हमारा आंगन हमारे बच्चे, यहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा। हमारा आंगन हमारे बच्चे का अर्थ क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा प्रकाश करूंगा। हमारा आंगन हमारे बच्चे मतलब कि हमारे आंगन के बच्चे जैसे रहते हैं वैसे ही हमको रखना है और हमारा विद्यालय भी हमारा आंगन, अर्थात हम जिस विद्यालय पर हैं या जिस केंद्र पर हैं उसको अपने आंगन की तरह सजाएं, उसमें बच्चों को इस तरीके से रखें जैसे हम अपने आंगन में रखते हैं, है ना? समस्या कहाँ थी? समस्या यही कि हम उन बच्चों को अपने आंगन की तरह नहीं रखते। सब में प्रतिभा है, सब मेहनत कर रहे थे, लेकिन बेसिक शिक्षा के विद्यार्थी उतनी अच्छी प्रगति नहीं कर रहे थे जितनी अपेक्षित। तो आपको एक उत्तरदायित्व तो दिया गया है, खास करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं कार्यकर्तियों को, कि आप इन शिक्षकों के सहयोग से सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर डालिए। शिक्षकों के सहयोग से इस कार्यक्रम को जो निपुण बनाने का कार्यक्रम है पूरे प्रदेश को, उसको आगे बढ़ाए और सीखने की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमको वो जो बाली बिहार के बच्चे थे उनसे भी सीखने को मिला है, है ना? ये बच्चे बहुत ही होनहार होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी शक्तियां अंदर छुपी हुई हैं और उन शक्तियों को निकालने का काम हम शिक्षकों का है। समस्त शक्तियों को पहचानिए और उसको बाहर निकालिए, ये शिक्षक का काम है। चाणक्य ने भी यही किया, आचार्य चाणक्य ने भी यही किया। चंद्रगुप्त के अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचाना था, उसको पॉलिश किया और एक राष्ट्र निर्माता शासक बनाया। देखो चंद्रगुप्त का क्या असर था, जंगल में खेल रहा था, शिक्षक ऐसा बनिए हाँ हमारे आंगन और हमारे बच्चे। तो सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है नई शिक्षा नीति के अनुरूप, नई शिक्षा नीति में यह महसूस किया गया कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसको जब तक हम संपन्न नहीं बनाएंगे, उसको मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी ऊपर की शिक्षा व्यवस्था नहीं सही होगी। अपने महत्व को समझिए कि आपका महत्व क्या है। बहुत सारी बातें आपके जहन में होंगी कि कार्यकर्ता मानदेय पर है, है ना? लेकिन जब तक आप अपने श्रम को दिखाएंगे नहीं, अपनी कला कौशल को दिखाएंगे नहीं, तब तक ऊपर ये महसूस नहीं किया जाएगा कि नहीं वास्तव में इनके अंदर योग्यता है और इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो अपने अंदर वो जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निकालिए, बच्चों के अंदर छिपे प्रभाव को निकालिए, उनको चमकाइए। संदर्भ में कहना चाहूंगा, मैं अपेक्षा करूंगा सभी से, आपसे अपने साथी लड़कियों से और मैं स्वयं अपेक्षा करूंगा
कि हम निर्धारित तो कोई और प्राप्त किया गया है कि जिले में एक पहले कौन सा विधायक जो है रिपोर्ट बनेगा, लेकिन मैं निर्धारित करना चाहूंगा, मैं बिना कहे मैं ये निर्धारित करना चाहूंगा कि हैसर ब्लॉक सबसे पहले निपुण ब्लॉक है। इसमें ऐसे मेंटर मुझे जो भी आपको जो भी सहयोग की आवश्यकता हो सभी को किसी को भी मैं तैयार हूं। आगे बढ़े, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप लोग भी नोट कर लीजिए, आपके लोग के पास है किसी से आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसको जरूरत हो नंबर लेके आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, जरूरत हो तब, है ना, क्योंकि प्यार बहुत है, तो बहुत है, सुनिए ध्यान दीजिए, हाँ नंबर आपको जब भी जरूरत हो वो सब लोग नोट करने के लिए डाल, अच्छा 94 50 80 60 70 नाम मनीष कुमार श्रीवास्तव, दूसरे शब्द क्या हो गया, दूसरे शब्द पर है बाल वाटिका, है ना, बाल वाटिका, तो बाल वाटिका की क्या है, बालक की वाटिका, बढ़िया, नहीं हुआ, उस स्कूल में, स्कूल में जो बच्चे हैं वो क्या है पौधे हैं, और उनको पोषण कौन देगा, उनको पोषण कौन देगा, पहले तो आप देंगे, और जैसा पोषण देंगे वैसे ही ये लोग आगे बढ़ेंगे, और बच्चे ही आपको शिक्षा भी देते हैं कि आपको क्या करना है, आप पढ़ाने गई एक एक्टिविटी कराई बच्चों को नहीं पसंद आया तो आपको सीख मिली ना ये मुझे ये इनको पसंद नहीं है, ये इन्हें पसंद नहीं है, मुझे कुछ दूसरा कार्य करना चाहिए, या सवाल पूछा और उसने नहीं बताया तो आपको ये शिक्षा मिली कि हम जो कुछ कार्य कर रहे थे उसका आउटकम नहीं आ रहा, हमको कुछ विधि बदलनी होगी, है ना, तो वो अपने आप के अपने अंदर जो इनोवेशन है उसको बनाइए, पैदा कीजिए, नवाचार, नवाचार नाम सुना होगा, नवाचार में कई जो है प्रशिक्षण भी हुए, प्रतियोगिता भाग लेने वाले नवाचार, मतलब कुछ भी आप नया जो पहले कभी नहीं हुआ, गतिविधियां YouTube पे डाली जा रही है, ना, एक और महत्वपूर्ण बात, इस ब्लॉग के जो शिक्षक हैं अपने YouTube पे जो कार्यक्रम डाल रहे हैं तो हमको उनसे सीखना चाहिए, मैंने पहले भी कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी से भी सीख सकते हैं, जो जानवर है सुबह जब आप एक्सरसाइज कर सुबह आपको वर्जिश करनी होती है ना उनसे आप सीखे स्ट्रेचिंग करते हैं वो योगा करते हैं, तो हम लोगों को ये महत्वपूर्ण कार्य करना है, बहुत ही जिम्मेदारी वाला कार्य है, आप अपने कार्य को ईमानदारी से कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, एक व्यवस्थित रूप में सरकार व्यवस्था दे रही है कि कैसे आपको नीति बनाना है, आपको ऐप चलाना है, ऐप के माध्यम से उसको पढ़ाना है, असेसमेंट करना है, स्वाभाविक सी बात है आसान है ना, नहीं पढ़ा फिर पढ़ाएंगे, पढ़ लिया उसको आगे पढ़ाएंगे, बात खत्म, काम आसान हुआ, ठीक है, इन्हीं और मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारे कार्यक्रम होना है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।